Hello dear students, welcome. Today we start with question number 6, exercise 15.1 of NCERT math class 10th. Question number 6 hai, a bag contains lemon flavored candies only. मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं. मालिनी उसके अंदर से एक कैंडी को निकालती है बैग के अंदर बिना देखे. तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो निकाली है कैंडी वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगी या एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी. लेट ओ बी द इवेंट taken out candy is orange flavored candy. ये हमने मान लिया कि जो ओ है वो हमारा इवेंट है कि जो हमने कैंडी निकाली है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है. दूसरा हम मान लेते हैं कि लेट L be the event taken out candy is lemon flavored. लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑरेंज की. जो उसने कैंडी निकाली है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, उसके अंदर कोई और कैंडी बिल्कुल भी नहीं है. तो वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है और कोई कैंडी नहीं है. तो उसमें से हम कोई भी कैंडी निकालेंगे तो वो कंफर्म है कि लेमन फ्लेवर्ड ही आएगी, ऑरेंज फ्लेवर्ड नहीं आएगी. तो पी ओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू ज़ीरो. सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो उसके अंदर से हम कोई अगर निकालेंगे कैंडी तो वो कैंडी किसकी आएगी, लेमन की ही आएगी, लेमन फ्लेवर्ड ही आएगी. तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 100%. तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है. प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 1 तक होती है. तो उसके अंदर से बैग के अंदर से हम कैंडी निकालेंगे तो उसके अंदर वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी, यानी 1 होगी. क्यों, क्योंकि बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. सेवंथ क्वेश्चन है इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे. इस क्वेश्चन में 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, तो वहाँ पर 2 बच्चों के एक जैसे बर्थडे ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.992 है. तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इन 2 बच्चों की, उन 2 विद्यार्थियों के सेम बर्थडे होने की क्या होगी, यानी 2 विद्यार्थियों के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो आइए इसको हल करते हैं. लेट ई बी द इवेंट द स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे. हमने सेम बर्थडे होने की जो इवेंट को हमने क्या मान लिया, ई मान लिया. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई बी द इवेंट द स्टूडेंट नॉट हैव द सेम बर्थडे. तो हमें यहाँ पर गिवन है कि पी ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0.992, ये हमें गिवन है. हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पी ई इवेंट की कि द स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पीछे हमने पढ़ाया था वी नो दैट पी ई प्लस पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम पी ई प्लस पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई 0.992 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 और ये आ जाएगा 0.008। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल को निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल हमने निकाली है वो रेड है या रेड नहीं है। लेट आर बी द इवेंट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग इज रेड और कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आर कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग इज नॉट रेड, ये हो जाएगा हमारे पास। टोटल बॉल हमारे पास हैं 3 प्लस 5, 3 रेड और 5 ब्लैक, तो 8 बॉल्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास इक्वल टू 8। पी आर रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमें वो फाइंड आउट करनी है। आर के फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास हैं 3, क्योंकि हमारे पास 3 बॉल्स रेड हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो हमारे पास हैं 8। तो पी आर हमारे पास हो जाएगा 3/8, क्योंकि यहाँ पर आर के फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो 3 हैं और टोटल आउटकम्स यहाँ पर 8 हैं। सेकेंड पार्ट इसका नॉट रेड, तो पी नॉट रेड आर कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट आर, तो पी आर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 माइनस 3/8, क्योंकि इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। तो पी आर कॉम्प्लीमेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8, ये हमारे पास आ जाएगा 5/8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड वाइट नॉट ग्रीन। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टोटल जो मार्बल्स हैं वो हैं 17, तो यहाँ पर ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 17। एक मार्बल को बॉक्स के अंदर से निकाला गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मार्बल निकाली गई है वो क्या होगी, रेड होगी या वाइट होगी या नॉट ग्रीन होगी। रेड मार्बल्स हमारे पास हैं 5, वाइट मार्बल्स हैं 8, ग्रीन मार्बल्स हैं 4। यहाँ पर हमारे पास टोटल मार्बल्स हो जाएंगी 17, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 17। Let R be the event brown marble is red. Let W be the event. Brown marble is white. Let Z be the event. Brown marble is green. फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करनी है पी आर, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर रेड के फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो हमारे पास हैं 5 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 17, तो 5/17। सेकंड है वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, वाइट के फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 8 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 17। थर्ड पार्ट है नॉट ग्रीन, तो हम नॉट ग्रीन के पहले निकालेंगे ग्रीन, तो पी जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो जी के फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास हैं 4 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 17। तो यहाँ पर हमें जो निकालना है वो है पी नॉट ग्रीन यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, जी का हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है नॉट ग्रीन। ये हो जाएगा 1 - 4/17, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 13/17 बिकॉज वी नो दैट पी ई प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। 10th क्वेश्चन है ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin or will not be a ₹5 coin? तो बच्चों यहाँ पर एक पिगी बैंक के अंदर 100 सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं, 50 सिक्के हैं वो 1-1 रुपये के हैं और 20 जो सिक्के हैं वो 2-2 रुपये के हैं और 10 सिक्के 5-5 रुपये के हैं। उसको जब उल्टा किया जाता है तो उसमें से एक कॉइन गिर गया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो गिरा हुआ जो कॉइन है वो 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास है 100, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 50। 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 50। नंबर ऑफ 20, 2 नंबर ऑफ 2 रुपी coins is equal to 20 and number of 5 paise coin is equal to 10. Number of 5 रुपये coin is equal to 10. तो total coins हमारे पास हो जाएंगे, total coins is equal to 180. इतने coins हमारे पास total हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है। P 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर 50 पैसे के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, आउटकम्स फेवरेबल टू 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू 100 अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं 180 180 हमारे पास है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो 100/180 दैट इज इक्वल टू 5/9। सेकेंड पार्ट है विल नॉट बी ₹5 कॉइन, तो पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी पी 5 रुपये कॉइन आउटकम्स फेवरेबल टू 5 रुपये कॉइन। 5 रुपये कॉइन के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास हैं 10, तो 10/ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं 180, ये हमारे पास आ जाएगा 1/18। हमें फाइंड आउट करनी थी प्रोबेबिलिटी नोट 5 रुपये कॉइन, नोट 5 रुपये कॉइन डेट इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास 1 - 1/18 डेट इज इक्वल टू 17/18। तो 5 आर कॉइन not 5 iron, because we know PE plus P naught E is equal to 1.